मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और आपका यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में आ चुके हैं। ये सारे सवाल आ चुके हैं किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि कुछ जो बुक्स होती हैं उनके साइड में लिखा रहता है। जैसे कि मेरे पास में ये बुक है मैथमेटिक्स की, तो इसमें देखिएगा ये जो सवाल हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एलडीसी, एसएससी एसएससी जीएल पीटी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एलडीसी, इस तरीके से ये दे रखे हैं सवाल, बैंक पीओ। तो ये सारे सवाल जो आए हुए हैं वही सवाल लिए हैं मैंने, तो वही सवाल मैं कराऊंगा आपको जो पेपर में आपके आ चुके हैं। चलिए देखिएगा पहला सवाल क्या कह रहा है कि ए की पावर वाई पावर वाई, ए की पावर एक्स पाई वाई, ठीक है। तो ये बराबर आपको दे रखा है ए की पावर एक्स की होल पावर वाई, तो एक्स का मान आपसे पूछा है। देखिए क्या सिंपल सवाल दे रखा है, लेकिन है बहुत एकदम इंटरेस्टिंग। ए की पावर एक्स की पावर वाई बराबर दे रखा है ए की पावर एक्स की होल पावर वाई, तो आपको एक्स बराबर क्या ये फाइंड करना है ना, एकदम लाजवाब सवाल। वन वाई की पावर एक्स, वन अपॉन वाई की पावर वाई, वन अपॉन वाई की पावर वाई माइनस वन। देखो ये सवाल देखने में तो बहुत अजीब लगता है, आपको लग रहा होगा कि ये तो इसी की पावर वाई है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे ए की पावर एम है और उसकी पावर एन है, तो हम इसको ए की पावर एम इंटू एन लिखते हैं, लेकिन ए की पावर एम है और उसकी पावर एन है, तो इसको ए की पावर एम एन नहीं लिखते हैं, ये इसके बराबर नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखिएगा, ये तो अपना ए की पावर एक्स की पावर वाई है, लेकिन हम इसको ए की पावर एक्स वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों की ब्रैकेट की पावर जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं। तो अब जब भी कभी भी ए की पावर एम है बराबर ए की पावर यहाँ पर वाई है, तो एम बराबर वाई में लिख सकता हूँ, यानी कि जब आधार बराबर होते हैं तो घातों को बराबर लिखा जा सकता है, ये नियम है। तो यहाँ पर ए की इसकी घात, ए की घात कितनी है यहाँ पर, एक्स की पावर वाई है, इधर ए की घात कितनी है, एक्स वाई है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना था, हमको तो एक्स का मान निकालना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इस एक्स को इधर ले आएंगे, हम इस एक्स को इधर ले आएंगे, तो एक्स की पावर वाई अपॉन ये हो जाएगा एक्स बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर वाई, ठीक। चलिएगा अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वाई है इंटू ये एक्स की पावर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा, ये वाई आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और वैसे भी हम डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर वाई माइनस वन हो जाएगा बराबर वाई, ठीक है। जो भी घात नीचे होती है तो इसका मतलब एक्स की पावर वन है, तो ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस का वन हो जाएगा, तो एक्स की पावर वाई माइनस वन। जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए, ये एक्स की पावर दो है, यहाँ पर एक्स की पावर पाँच है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स की पावर ये दो और ये पाँच है, तो माइनस का पाँच डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यदि x की पावर यहाँ पर 4 है तो मैं डायरेक्टली 2 माइनस 4 लिख सकता हूँ। यदि यहाँ पर मान लीजिए 8 है और नीचे 4 है तो मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 4, ठीक है। और नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब x की पावर 1 है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये x की पावर y है, यहाँ पर x की पावर 1, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ x की पावर y माइनस 1, ठीक है। इस लाइन को छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने बता दी क्योंकि इसकी पावर कितना वन है, वन ऊपर जाएगा तो माइनस का, क्योंकि ऊपर जाती है घात चिन्ह बदल जाता है, ये आ गया। अब आप एक चीज़ और जानते हो, क्या जानते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है कि एक्स स्क्वेयर है, इधर जाके यहाँ पर कितना है वाई है, तो एक्स बराबर कितना लिख देते हैं, अंडर रूट वाई लिख देते हैं, लिख देते स्क्वेयर इधर जाके अंडर रूट में चला गया, इसका अंडर रूट का मतलब होता है वाई की पावर एक बट्टे दो, तो मतलब ये दो था तो यहाँ पे एक बट्टे दो आ गया, मतलब x की पावर n है और यहाँ पर y है, तो इसको x बराबर लिखेंगे तो y की पावर 1 अपॉन n लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर y माइनस 1 है, तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा, y की पावर 1 अपॉन y माइनस 1, क्योंकि ये y x की पावर कितना है, y माइनस 1 है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 अपॉन y माइनस 1। यदि यहाँ पे 5 होता तो 1 अपॉन 5 आ जाता, यहाँ पे यदि 2 होता तो 1 अपॉन 2 आ जाता, यहाँ पे 3 होता तो 1 अपॉन 3 आ जाता, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक टर्म मान लिया है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ये पूरा टर्म, टर्म कितना है y माइनस 1, तो y की पावर
वन अपॉन वाई माइनस वन, वाई की पावर वन अपॉन वाई माइनस वन, दिस इज योर आंसर। जल्दी से कर लीजिएगा, जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। सवाल समझ में आ गया है तो भाई लाइक करना आपका काम है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, ये देखिएगा, क्यू रूट ऑफ 3 की पावर x इजिकल टू 2187, ये है। तो जब भी कभी भी इस तरीके का सवाल दिखाई दे, 3 की पावर, 4 की पावर, कुछ नहीं, इसके फैक्टर कर लो पहले, 21, 87, इसके फैक्टर कर लीजिएगा तो कितने, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कट जाएगा 27 बार, फिर 3 से कट जाएगा 9 बार, फिर 3 से कट जाएगा 3 3 9, फिर 3 से कट जाएगा 3 1 3, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 7। एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कैसे किया, ये हमने कर लिया, एक सेकंड इसको मिटा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये हमने कैसे किया, इसके फैक्टर कर लिए, 3 की पावर में ले आए, ठीक है। इसको देखो, ये क्यू रूट है ना, इसको हम क्यू रूट को कितना लिख सकते हैं, इस क्यू रूट को लिख सकते हैं हम, इस क्यू रूट का मतलब क्या था, 1/3, कितना है, 1/3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि यदि x की पावर n होता है, यहाँ पर y है, तो x बराबर क्या होता है, y अपॉन n हो जाता है, यानी कि y की पावर 1/n हो जाता है। तो ये देखिएगा, ये लाइन बराबर ये हो सकता है, तो क्या ये लाइन बराबर ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जब x की पावर n है तो इधर जाके कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। यदि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही 1/n दे रखा है, यहाँ पर y है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर y की पावर n, क्या हो जाएगा, y की पावर n, ठीक है। होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है ये भी समझ लीजिए, x की पावर a/b है, तो हम इधर y है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर y की पावर, इसको उलट देते हैं तो कितना हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है, ये होता है सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, 1/3 है, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 7 है, इसकी होल पावर, ये 1/3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ठीक है, 3/1 हो जाएगा, मतलब घात उलट जाती है उधर जाकर, ठीक है। चलिएगा, घात कैसी है, उलट जाती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब ये 3 की पावर x बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर, ये देखिएगा 7 है इंटू ये 3/1, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21/1, मतलब 21/1 आ जाएगा, मतलब 21 ही बोला जाएगा, 7 या 21, ठीक है, 21 आ गया, ठीक। अब जब आधार बराबर आ गए तो घात भी बराबर आ जाएंगी, तो x बराबर कितना, जब आधार बराबर हैं तो घातों भी बराबर आएंगी, तो x बराबर 21, दिस इज योर आंसर, ठीक है, कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल को करते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताते रहिए आपने कितने सवाल सही किए हैं, ये अभी आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सवाल आते हैं या नहीं आते। चलिए अब देखिएगा अगला, ये वाला सवाल है बहुत ही शानदार सवाल, क्या है, 2 - 3 - 5 और इसकी पावर -1 की पावर -1। देखिए, कभी भी इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, BODMAS, समझ रहे हो, मच्छर भगाने के लिए ओडोमास लगाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या लगाता है, बोर्ड मास लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बोर्ड मास। बोर्ड का मतलब बी से ब्रैकेट, ओ से क्या है, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब का की के, उनको सॉल्व करते हैं, फिर डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड, ठीक है, इसका मतलब ब्रैकेट जितने भी हैं, ये और ये वाले, के का मतलब का और की, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब गुणा होता है, ए का मतलब ऐड होता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो पहले इन
ब्रैकेटों को ख़त्म करते हैं, फिर काकी के को ख़त्म करते हैं, डी से डिवाइड को ख़त्म करते हैं, एम से मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करते हैं, फिर ये इस तरह से चलते हैं। तो और इसमें भी यदि ब्रैकेट लगा होता है तो ब्रैकेट लगाने का भी एक तरीका होता है। क्या सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट? तो सबसे पहले कौन सा? छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। छोटा ब्रैकेट कहाँ है? ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, बाकी किसी से कोई लेना देना मत रखिएगा। ये देखिए एक्स की पावर माइनस वन होता है तो हम उसको वन अपॉन एक्स लिख देते हैं। ऐसे ही जब हम इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा, तो तीन में से, वैसे भी दिखाई दे रहा, तीन में से ये जाएंगे, पाँच जाएंगे, तो कितना बचेगा? तो देखिए अभी अभी ऐसा करिए, अभी कोई इतना ज़्यादा बड़ा आप कदम मत उठाओ, सिंपल सी इसको कर दो, वन अपॉन तीन माइनस पाँच, इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आई? क्योंकि ये इस ब्रैकेट की पावर माइनस वन है और किसी की पावर माइनस वन होता है तो उसको वन अपॉन एक्स लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और इसकी पावर माइनस वन था, अब ये दो माइनस, ये वन अपॉन तीन में से पाँच जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का दो बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का वन, अब माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? दो प्लस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा और माइनस का वन। अब इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? दो हम एलसीएम ले लेंगे तो दो दूनी चार, चार प्लस एक, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का वन है। जब भी प्लस आ जाए यहाँ पर तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, दो दूनी चार और एक पाँच, तो पाँच बट्टे दो भी कर सकते हो, तो मैंने लिख दिया चार एक पाँच, तो कितना हो जाएगा? पाँच बट्टे दो। और ये की पावर कितना है? बड़ा ब्रैकेट है और माइनस वन है, और माइनस वन को हम प्लस वन चेंज कर देंगे। देखिए माइनस वन है, इसको अंदर वाली चीज़ों को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? दो बट्टे पाँच की होल पावर वन हो जाएगा, वन का मतलब दो बट्टे पाँच। ठीक है, क्योंकि माइनस का था, इसको उलट दो, पाँच बट्टे दो है तो हमने लिख दिया दो बट्टे पाँच, तो ये घात कैसी हो जाएगी? माइनस का वन था, ये प्लस का वन हो गया, प्लस का वन से कोई लेना देना है, दो बट्टे पाँच, दो बट्टे पाँच है इसमें, दो बट्टे पाँच इज योर आंसर। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, अगले सवाल को करेंगे हम। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका है रूट एक्स, फिर रूट पैंतालीस, फिर माइनस रूट तिहत्तर, फिर प्लस रूट चौंसठ। देखिए इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती है, क्योंकि इस तरीके के सवालों को हमको सॉल्व ही करना पड़ता है। और इसमें सॉरी ये बराबर 18 दे रखा है, ठीक है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप देखो सिंपल तरीके से, आप देखो ये हो जाएगा 8, और देखिए ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक्स अंडर रूट ये है 45 माइनस, देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 73 है प्लस, और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट चौंसठ, अंडर रूट चौंसठ का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये 18 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स अंडर रूट ये 45 माइनस ये 73 और 8 81 हो जाएंगे, तो ये अंडर रूट 81 बराबर 18, ये अंडर रूट 81, ये अंडर रूट 45 माइनस, और ये 81 मतलब कितना हो जाएगा? अंडर रूट 81 यानी 9 आ जाएगा बराबर 18, अंडर रूट एक्स अंडर रूट 45 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 45 में से 9 जाएंगे 36 बचेंगे बराबर 18 अंडर रूट एक्स। अब 36 अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 36 की वैल्यू आ जाएगी 6 आ गई ना, आ गई बराबर 18। अब इसका देखिए अंडर रूट आ गया, अब इसका वर्क कर देंगे, तो वर्क कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 6x लिख देंगे, इसका वर्क कर देंगे 18 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 18 का स्क्वायर हो गया तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये देखिएगा x बराबर आ जाएगा 18 का स्क्वायर यानी 18 × 18 बट्टे 6 से ये कट जाएगा तीन बार, तो 18 × 36 = 54 है कहीं पर, 54 इज योर आंसर। ठीक, 18 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 18 × 18 बट्टे नीचे आ जाएगा 6 से 18 कट जाएगा तीन बार, 36 × 18 = 54 आ गया। ठीक, चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिए, कितना एकदम लाजवाब था नहीं सवाल।
आगे देखिएगा, अंडर रूट 8 प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। यहां पर हम क्या कर देंगे, वर्क कर दो इसका। इसका जब वर्क कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 8 प्लस और ये कितना, एक्स की पावर 1/4, फोर्थ रूट है तो 1/4 लिख देंगे बराबर। ये कितना हो जाएगा, 4×16 है, तो ये एक्स की पावर 1/4 और ये कितना, 16 माइनस 8 आठ दल जाके माइनस का हो जाएगा। एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल 16 में 60 गए तो 8, तो एक्स की पावर 1/4 बराबर 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 है, इसको 4/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/4 है, उधर घात जाएगी तो पलट जाएगी, 4/1 हो जाएगी, यानी कि 4×3 12, तो 2 की पावर 12 आ जाएगा। 2 की पावर 12 है ऑप्शन, देखिएगा 2 की पावर 12 नहीं दे रखा है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 × 4 × 8 × 16, फिर 2 × 2, तो 1 2 3 4 5 6 6 आ गए, तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, तो 64 आ गया, 64 × 64 कर लो, 6 की गुणा कर रहे हैं तो 64 आए, अगले 6 12 बार मल्टीप्लाई करने, 64 × 64 हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है, 2 की पावर 12 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 40×96। ये तो मैं गुणा करने भी बता दूंगा, उंगलियों में देखते ही मात्र, देखने मात्र से ही आप गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 40×96 इज योर आंसर। आई होप कि ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको ब्रैकेट ओडोमास वाला जो फॉर्मूला बताया था उसको अप्लाई करना बताऊंगा। आप, मुझे लगता है कि आप सॉल्व करने वाले तो ऐसे इस टाइप के घातों के सवालों को सॉल्व कर ही लोगे, अंडर रूट वगैरह वालों को, और बाकी इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें नए नए चैप्टरों को लेंगे, क्योंकि ये बेस था आपका, क्योंकि आने वाली चीज़ों में आपको बेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।